झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के गुराड़िया झाला निवासी महिला द्वारा राजकीय राशि षड्यंत्र पूर्वक हड़पने का मामला सामने आया है। उक्त महिला ने चौमहला में अपने पति की मृत्यु कृषि कार्य करते हुए बताई, वही मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होना बताया। इस पर उपखंड अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए सचिव कृषि उपज मंडी को पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए। मामला राजीव गांधी कृषक साथी योजना से 2 लाख रुपए की सहायता लेने का है। कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी भवानी मंडी की अध्यक्षता में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की बैठक हुई, जिसमें प्राप्त 18 आवेदनों में से 11 स्वीकृत किए गए तथा 2 आवेदन जांच में तथा 3 आवेदन निरस्त किए गए। उम्मेद बाई ने 20 जून 2019 को कृषि उपज मंडी में आवेदन दिया है कि 9 फरवरी 2019 को मेरे पति गोर्धन सिंह खेत पर सरसों की फसल काट रहे थे, इस दौरान जहरीले कीड़े के काटने से मृत्यु हो गई। आवेदन के साथ शपथ पत्र, पुलिस FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। वहीं दूसरी ओर 19 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के ढोरधर में बेलोरो जीप से एक्सीडेंट में गंभीर घायल व इलाज के दौरान 8 फरवरी 19 को मृत्यु होना बताया है। मोटर दुर्घटना दावे आवश्यक दस्तावेज लगाते हुए क्षतिपूर्ति का 45 लाख रुपए का दावा पेश कर रखा है। मध्य प्रदेश के सुवासरा पुलिस ने इस एक्सीडेंट में वाहक चालक को गिरफ्तार कर बेलोरो जीप को भी जब्त किया था। खबर आपकी राजस्थान से, मनोज कसेरा की स्पेशल रिपोर्ट। सर, मैं आज के इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आपसे कि आपके यहाँ पे जो केस है, ये उमेद भाई गोर्धन सिंह का सुसाइड का भी है और एक्सीडेंट का भी है, तो इसकी किस तरह से आपने पड़ताल करी? आज कृषि उपज मंडी समिति चौमेला में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्राप्त क्लेम के बाबत में मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में प्रस्तुत सभी प्रकरणों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। तब उम्मीद बाई पत्नी गोर्धन सिंह झाला निवासी गुराड़िया झाला के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया, जिसमें कि उम्मीद बाई ने अपने पति गोर्धन सिंह की कृषि कार्य करते हुए 9/2/2019 को अपने खेत पर जहरीला कीट काटने से मृत्यु होना बताया है तथा उसी के आधार पर उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR की कॉपी प्रस्तुत करते हुए और अपने 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन आवेदन पत्रों की पड़ताल करते हुए उसके साथ सवन से उसने गलती की कि जो उसके पति के साथ जुलाई 2018 में एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में काफी समय तक वो हॉस्पिटल सुवासरा में भर्ती रहा था और उसके पश्चात जब ये मृत्यु हुई है तो मृत्यु के पश्चात इसने 19/3/2019 को एक दावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मंदसौर में प्रस्तुत किया, जिसमें यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि इसकी मृत्यु उस दुर्घटना के दौरान चोटिल होने से हुई है तथा 45 लाख रुपए का हर्जाना वो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक से हमें दिलाया जाए। तो वो दस्तावेज जिसमें कि शपथ पत्र वगैरह भी थे और पूरी घटनाक्रम का विवरण था कि किस दिन दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना के बाद कहाँ कहाँ उसका इलाज चला और उस दुर्घटना में उसे जोड़ते हुए इसकी मृत्यु बताते हुए मंदसौर पुलिस अधीक्षक महोदय को इन्होंने धाराएं बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया था। उसकी रसीद भी इसमें साथ में दावा अधिकरण के रूप में प्रस्तुत दावे में साथ पेश की गई है। तो प्रथम दृष्टया ये जो है प्रकरण वो राजकीय राशि का षड्यंत्र पूर्वक हत्याना का प्रयास है। 2 लाख रुपए जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत क्लेम के रूप में मिलते हैं वो कृषि कार्य करते हुए मृत्यु होने पर मिलते हैं। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध है क्योंकि 19/3/2019 को ही जब इन्होंने मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में दावा पेश कर दिया था तो यहां 20/6/2019 को सचिव महोदय कृषि उपज मंडी समिति के समक्ष ये आवेदन दिया गया है जो प्रथम दृष्टया फर्जी है और इसके संबंध में हमने सचिव को पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आज ही इसमें पुलिस में मुकदमा दर्ज हो जाएगा।